में मालवा एक्सप्रेस के पहियों के बीच चिपक गए। आपको बता दें कि दोनों पहिए चिपक गए, चिंगारी के साथ धुआं निकलने लगा। ये देख यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बनने लगा। हालांकि समय रहते धुएं को काबू कर लिया गया। रेल एक्सपर्ट का कहना है कि ट्रेन मूल रफ्तार में दौड़ रही होती तो कोच पलट जाते। मालवा एक्सप्रेस महू इंदौर से वैष्णो देवी कटरा के लिए जाती है। रेल अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन महू से इंदौर तक 21 किलोमीटर की दूरी धीरे धीरे तय करती है। इसी दौरान राजेंद्र नगर के पास ट्रेन के पहिए चिपक गए। इस तरह 20 दिन पहले भी सीहोर में ऐसी ही घटना सामने आई थी। वहां पूरे मामले पर PRO रेलवे खेमराज मीणा ने बताया कि इसमें आग लगने का कोई खतरा नहीं होता, इससे केवल स्मॉग उत्पन्न होती है। क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। अंबेडकर नगर से मालवा एक्सप्रेस चली थी, जो कि तकरीबन 12 बजे जो राहु स्टेशन पे स्टेशन मास्टर ने एक जो स्मॉग है वो देखा, इसके बाद तुरंत कंट्रोल को सूचित किया। तो वो एक्चुअली क्या है कि जो ब्रेक ब्लॉक जाम है उसकी घटना थी। एक्चुअली वो क्या है कि जैसे ही उनको पता चला स्टेशन मास्टर को, तो तुरंत उसने फिर अगला जो स्टेशन राजेंद्र नगर जो स्टेशन पे है वहां पे उसको रिलीज करवाया। क्योंकि होता क्या है कि जैसे इस तरह की जो घटना घर्षण के कारण जो जो जो, जो इस ट्रेन के जो पहिए हैं उसमें एक कोच में वो चिपक जाते हैं, तो वो एक नॉर्मल रूटीन वो प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि फिर उसको रिलीज करके और चला दिया। खबर